हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हूं पंकज मौर्य और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचे चैनल में। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको भिंडी के जो बीज होता है उसको जमाने के लिए दो ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, दो ऐसे जुगाड़ बताने जा रहे हैं जिसको अपनाकर आप बहुत जल्दी बीज उगा सकते हैं। मात्र 3 दिन में जो बीज होता है वो उसका जर्मिनेशन हो जाता है। तो चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो देर ना करते चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भिंडी की अगेती फसल लेने के लिए या आप छत पर अगर भिंडी उगाना चाहते हैं तो वो उसका जो बीज होता है अगर आप बोते हैं जनवरी के महीने में तो जल्दी जमता नहीं है। तो इसलिए आज हम आपको दो जुगाड़ बताने जा रहे हैं। देखिए, पहला जो जुगाड़ है वो आप जान लीजिए। उसमें आपको भिंडी का पहली बात तो अच्छी क्वालिटी का बीज लेना है और बीज को 10 से 12 घंटे आपको एक पानी भर कर ग्लास में उसमें भिगो के रखना है। जब 10 से 12 घंटे हो जाते हैं तो भिंडी का जो बीज होता है वो फूल जाता है। ये देखिए दोस्तों, हमको 10-12 घंटे भिगोए हुए हो गए हैं और ये देखिए बीज हमारा भीग चुका है। दोस्तों, भिंडी के बीज के ऊपर एक कड़ी लेयर होती है। अगर आप ऐसे ही बिना भिगोए बोते हैं इसको तो एक तो ठंड का मौसम होता है, टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वो जल्दी अंकुरित नहीं होता है। तो इसको अंकुरित करने के लिए अब हम क्या करें हैं, जो भीगा हुआ बीज है उसको आपको एक कार्टन का कपड़ा लेना है। इस तरीके से आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं और एक कटोरी आपको चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास है, ये कोकोपीट हमारे पास है और इसमें थोड़ी मात्रा में हमने वर्मी कंपोस्ट मिला ली है। आप चाहें तो केवल वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर कोकोपीट भी ले सकते हैं। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप केवल गोबर की खाद जो होती है अच्छी सड़ी हुई हो और उसको आप एक दो मुट्ठी ले लीजिए, लेकिन उसको बहुत ही भुरभुरा कर लेना है, बहुत ही महीन कर लेना है। और उसके बाद जो ये बीज भीगे हुए हैं इनको निकालना है। ये देखिए इस तरीके से बीजों को निकालना है। अगर बीज इसमें कोई तैरते हुए दिखाई देते हैं तो उनको आप हटा सकते हैं। और ये धीरे धीरे देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, जो पानी ग्लास में है यही पानी इसमें डालकर थोड़ा सा मॉइस्ट कर लेना है, इसको मॉइस्चर बना लेना है। और अच्छा मॉइस्चर बना के उसके बाद में ये देखिए इस तरीके से कपड़े को गुलेट लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर से भी इसमें स्प्रे कर देना है, इसमें डाल देना है ताकि जो कपड़ा है उसमें भी थोड़ा मॉइस्चर आ जाए। ये देखिए हम इस तरीके से हल्का डिप कर लेते हैं। ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी होगा तो भी दिक्कत आ जाएगी। तो इसमें आपको बस नमी बना के रखनी है और काफ़ी अच्छी मात्रा में नमी होनी चाहिए। अब इसको जो जुगाड़ है उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम ले चलते हैं अपने रसोई में जहाँ पर चूल्हे पे बनता है खाना, वहाँ पर इसको ले चलते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो बीच में दो जो डबल चूल्हा होता है गैस वाला, उसके नीचे देखिए यहाँ पर स्पेस होता है, तो आपको कटोरी इसी हिसाब से लेनी है कि वो इसके बीच में आ जाए। ये देखिए हम इसको बीच में यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर क्या होगा कि खाना जब बनेगा तो दिन भर में 2-3 बार इधर उधर कुछ ना कुछ बनता रहता है, तो वहाँ उसकी हीट से ये जो बीज है वो टेम्परेचर उसका मिलता रहेगा और बहुत जल्दी जर्मिनेशन हो जाएगा। चलिए हम दिखाते हैं आपको खोल के। ये देखिए केवल 2 दिन हमने रखा हुआ है यहाँ पर और 2 दिन के बाद ये देखिए रिजल्ट इसका भी आप देखते हैं। तो कपड़ा हमको सूखा लग रहा है काफ़ी, ऊपर से कपड़ा जो मॉइस्चर था वो सूख गया है। ये देखिए इसमें अंकुरण देखिए कितना अच्छा हो रहा है। ये देखिए लगभग लगभग हमारे 70% तक बीज जो है वो अच्छे से अंकुरित हो चुके हैं। ये देखिए बहुत अच्छा अंकुरण हुआ है। इस तरीके से आप मात्र 3 दिन में आप बीज को जमा सकते हैं, 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, आप देख कर एकदम खुश हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बीज को उगा सकते हैं। और जो बीज नहीं जमते हैं ये देखिए ये भी अभी बिल्कुल हरा है अंदर से बीज, कुछ बीज रह जाते हैं जो नहीं जमे हैं, तो इनको आप 2-3 दिन के बाद जो नहीं जमे हैं वो भी जम जाते हैं। तो ज़्यादातर बीज जम जाते हैं, जो नहीं जमे हैं उनको आप फिर से बांध के रख दीजिएगा 1 दिन के लिए, तो वो भी अंकुरित हो जाएंगे। तो चलिए आप जान लेते हैं दूसरा तरीका भिंडी जमाने का, भिंडी के बीज को जमाने का। दोस्तों, दूसरे तरीके में भी आपको एक रुमाल लेना है या फिर आप सूती कपड़ा कोई भी ले लीजिए और उसी तरीके से आपको सेम चीज़ में आपको मिक्स करना है बीज को, भिगोए हुए बीज को वर्मी कंपोस्ट या कोकोपीट में आपको मिक्स कर लेना है और मॉइस्चर बना लेना है अच्छे से। उसके बाद एक छोटी सी कटोरी लेनी है आपको और कटोरी में ही इसको हम ढक के रख देंगे ऐसे बांध के। आपको बीज अपनी मात्रा के अनुसार लेना है। अगर आप खेती करने जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा बीज लेना है और ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट या कोकोपीट भी आपको लेनी है और कटोरी भी आपको बड़ी लेनी पड़ेगी। हमने छोटा, हमको कम बीज बोना है इसलिए हमने छोटा लिया है। और फिर आपको क्या करना है, इसी कटोरी को हल्का सा ऊपर पानी डाल के कपड़े पर, ये देखिए ये भीगा हुआ है अच्छे से, और भीगे हुए कपड़े में ही हमने इसको लपेट के और यहाँ रखना है जहाँ पर आपके यहाँ एक बल्ब लगा हो। अगर आपके LED बल्ब लगा है तो आप उसको कुछ दिन के लिए निकाल सकते हैं। और इस तरीके से आपको क्या करना है, ये जो 10 रुपये का बल्ब आता है वहाँ पर बिजली वाला, वो आपको लगा देना है और इसके बिल्कुल पास में इसको रखना है। यहाँ से हीट जनरेट होती है तो इस हीट से बहुत अच्छा टेम्परेचर मिल जाता है इसको, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान यहाँ पर हो जाता है, तो ये जर्मिनेशन बहुत जल्दी हो जाता है। अभी हम आपको दिखाते हैं कैसा जर्मिनेशन इसका होता है।
बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको 10 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसमें आपको एक बल्ब लेना पड़ेगा और बीच बीच में आप हर एक दिन के बाद 24 घंटे के बाद आप देखते रहिए, हल्का सा मॉइस्चर यहाँ पर सूखने लगता है क्योंकि जो पानी है वो उड़ता रहता है, यहाँ पर लाइट हमेशा लगती है, इसकी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है पास का, तो मॉइस्चर यहाँ का उड़ता रहता है, इसलिए जब आपको लगे कि यह पानी सूख गया है इसका, तो थोड़ा थोड़ा इसको मॉइस्ट कर दीजिए और उसके बाद फिर से यहाँ पर रख कर आप बल्ब को ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों ये देखिए, अब हमको तीसरा दिन आज है, लगभग 2.5 दिन हो चुका है, दोपहर के समय होने वाला है और ये हम इसको देखते हैं। तो ये देखिए मॉइस्चर हमको ऊपर नहीं लग रहा है, बिल्कुल सूखा सूखा सा लग रहा है और अब इसमें हम स्प्रे नहीं करेंगे, इसको हम पहले खोल के देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें भी जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा हो रहा है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा जर्मिनेशन हुआ है। ये देखिए इतने बड़े बड़े इसके अंकुर निकल रहे हैं और ये बीज सर्वाइव कर जाएगा बहुत अच्छे से। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं आगे कि इस बीज को आपको कैसे बोना है, इसकी बुआई कैसे करनी है ताकि आपका जो पौधा है वो स्वस्थ निकले और पौधा जो है वह मरे ना, आपका जो सीडलिंग है वो मरे ना। तो ये देखिए, आपको बोने के लिए, अगर आप छत पर लगाने के लिए या अपने गार्डन में लगाने के लिए केवल बो रहे हैं तो फिर आपको ये तरीका अपनाना चाहिए। इस तरीके के लिए देखिए, हमने ये लिया है वर्मी कंपोस्ट, हमारे पास वर्मी कंपोस्ट रखी थी और ये हमने कोकोपीट ली हुई है, तो इसको हम मिक्स कर लेंगे, 50-50% लेना है और इसका मिक्सर बना के हम इसी में इसकी बुआई करेंगे। अगर आप खेत में आपको बोना है तो आप खेत में कूड़ बनाकर बो सकते हैं, कूड़ में आपको अच्छी मात्रा में गोबर की खाद डालनी है और उस गोबर की खाद में ही आपको गड्ढे बनाकर उसी में इस बीज को बोना है, तो आपका बीज बहुत जल्दी जर्मिनेशन होगा और वो जो कूड़ रहेगा उसके ऊपर से आपको पुआल या फिर कोई भी पॉलीथीन की सीट आपको डाल देनी है। आप चाहें तो कोई भी जो खरपतवार होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, सूखी हुई घास डाल सकते हैं, तो आपका जर्मिनेशन बहुत जल्दी हो जाएगा और पौधा आपका मरेगा नहीं, आपकी जो फसल है वो 15 दिन कम से कम अगेती तैयार हो जाएगी, तो आपको अच्छा प्राइस भी मिल जाएगा, आगे रेट जो होता है वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से इसको बो लिया है, एक छोटी सी जो ट्रे है उसमें हमने बोया हुआ है और इसी मिक्सर से हम इसको ढक देंगे इस तरीके से। और ढकने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके जो सीडलिंग है उसमें फंगस के रोग ना आए, तो फिर आपको क्या करना है आप देखते रहिए, आगे हम आपको बताते हैं। अभी आपको साफ या साफिलाइजर, कोई भी आपको कार्बेंडाजिम, कोई भी आपको पाउडर मिल जाए, उस पाउडर को आपको लेना है। ये देखिए, हम पाउडर अपना हमेशा इस डिब्बे में करके रखते हैं, ये हमारे पास साफ पाउडर है और इसको एक बॉटल में हम भरेंगे, आधा लीटर लगभग पानी हमने ले लिया है और इसमें लगभग 1 से 1.5 ग्राम डाल लेंगे। ये देखिए, आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, उसके बाद हम इसमें इस पानी को इसी में वाटर दे देंगे। दोस्तों इस फंगिसाइड का जो पानी था वो हम देने के बाद अपनी ट्रे को हम यहाँ पर रख रहे हैं, ये हमने छोटा सा एक पॉली हाउस बनाया हुआ है और इसी को हम ग्रीन हाउस भी बना लेते हैं, जब गर्मी का मौसम आता है तो उस समय यह ग्रीन हाउस में इसको हम बदल देते हैं। तो इसका वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगा, कैसे बना सकते हैं कम से कम खर्चे में, बिल्कुल अच्छा सा जुगाड़ है और बहुत मजबूत बनकर तैयार होता है। तो दोस्तों ये देखिए, आज हमको 2 दिन हो गया है इसमें रखे हुए और ये देखिए जर्मिनेशन भिंडी का इतना अच्छा निकल रहा है, आप देख सकते हैं रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, सारे पौधे हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से जर्मिनेशन कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम ये जो पौधे हैं यहाँ तैयार कर लेंगे और थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब इनको हम निकालेंगे और उसके बाद हम ट्रांसप्लांट करेंगे अपने जहाँ पर भी हमको इनको लगाना है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी आपको अगले जल्दी ही इसका वीडियो मिल जाएगा, जो हमने ये पॉली हाउस बनाया है इसको किस किस तरीके से बनाया है, कितना खर्चा लगा है, हम पूरी जानकारी आपको देंगे, बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है ये वीडियो। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद किसान भाइयों।